तो फाइनली पहुंच गए हम लोग लर्न पे, और यहाँ हमने बाइक पार्क कर दी है। सामने काफ़ी चौड़ा रोड है इनके, ये देखिए ये है इंस्टीट्यूट। तो भाई फाइनली हम लोग लर्न बे से इंक्वायरी करके आ गए। लगभग 1.5 घंटा इंक्वायरी की है। मुझे सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या लगा जानता शकील? क्या लगा? कि इसका फीस जो है ना बहुत रीजनेबल है। हम जाते काफी सारे इंस्टीट्यूट पे हम विजिट कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, हमने उसका रिव्यू देखा है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है, और इंस्टीट्यूट है डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। काफ़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। लोग हमें काफ़ी कमेंट में पूछ रहे हैं कि भैया डेटा साइंस का इंस्टीट्यूट बताओ जो अच्छा हो, जॉब दिलाता हो, या फिर एटलीस्ट असिस्ट करता हो, बताता हो, और अच्छा पढ़ाता हो, ट्रेनिंग देता हो। इनका हमने देखा है रिव्यू अच्छा है, इनसे बात किया है, तो पता चला हमें कि ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है लर्न बे, HSR लेआउट में है, तो हम आज वहाँ विजिट करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हम एज अ स्टूडेंट बात करते हैं, एज अ स्टूडेंट विजिट करते हैं इंस्टीट्यूट में, और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि रियलिटी पता चले कि एज अ स्टूडेंट वो क्या बताते हैं। आप ये भी जानते हो हमें आइडिया इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम काफ़ी अच्छे से सवाल जवाब करते हैं, और आपको कोशिश करते हैं कि पूरा जेन्युइन और 100% डिटेल देने का कोशिश करें। पहले देख लेते हैं इंस्टीट्यूट है कैसा और आपको दिखाते हैं। तो भाई अंत तक वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और भाई को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर नहीं किया होगा तो। चलिए हाँ। चलते हैं आपको इंस्टीट्यूट पे लेके चलते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम जैसा कि आपको शकील ने बता दिया है, लर्न बे HSR लेआउट में है, बेंगलोर में। तो अभी हम निकल रहे हैं, आपको तुरंत आपको पलक झपकते पहुंच जाएंगे इंस्टीट्यूट के पास। जब तक के लिए आप व्लॉग एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। फाइनली पहुंच गए हम लोग लर्न बे, और यहाँ हमने बाइक पार्क कर दी है। सामने काफ़ी चौड़ा रोड है इनके, ये देखिए ये है इंस्टीट्यूट, लर्न बे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। मुझे लग रहा है ये पूरी बिल्डिंग ही उनकी है। नीचे बस एक शॉप है संगम वाले का, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले को नीचे के फ्लोर की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, ऊपर ही बढ़िया होता है। अब लोकेशन भाई मस्त है, HSR लेआउट थोड़ा प्रीमियम लोकेशन है, ऑफिशियल एरिया है, ऑफिशियल एरिया बैंगलोर का, और यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी है, जैसा कि आप लोकेशन में देखे होंगे और आप जानते भी होंगे। अभी चलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के पास तो पहुँच गए हैं, चलते हैं अंदर इंक्वायरी करते हैं। भाई अब मज़ा आएगा, देखना पूरा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए चलते हैं। एक बात और बता दूं, HSR लेआउट में PG और फ्लैट्स महंगे मिलते हैं। यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं ना, उनकी सैलरी लाखों में होती है, तो उनको पैसे की दिक्कत होती नहीं है, तो यहाँ पे जो थोड़ा रूम वगैरह होता है ना, वो थोड़ा महंगा होता है और अच्छा भी होता है। अभी इंक्वायरी करने लगते हैं, तो भाई फाइनली हम लोग लर्न बे से इंक्वायरी करके आ गए। लगभग 1.5 घंटा इंक्वायरी की है, जो काउंसिलर था वो भी काफ़ी अच्छे से समझाया बताया, और हमें काफ़ी अच्छा लगा, जेन्युइन लगा। ये देखिए लर्न बे है हमारे पीछे ही, और इनका ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी क्लास अवेलेबल है, और जब हमने इंक्वायरी की तो हमें जेन्युइन लगा, ट्रस्टेबल लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि हमें खुद यकीन है कि अगर आप यहाँ से करते हैं तो 100% जॉब लगता है आपका। जब तक जॉब नहीं लग जाता है तब तक ये इंटरव्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। आपका इंटरव्यू नहीं निकलता है तो उसमें फिर देखेंगे कमी कहाँ आ रही है, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर से आपको इंटरव्यू दिलाएंगे। तो इंस्टीट्यूट अच्छा है, टीचिंग अच्छी है, यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो भी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, कहीं किसी कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वही यहाँ पे ट्रेन भी करते हैं। तो साथ में आपको कंपनी का एक्सपीरियंस भी मिलता है और ट्रेनिंग भी मिलता है, साथ में ये आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट जो होता है कंपनी में चल रहा है उस पर भी काम करवाते हैं। मुझे सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या लगा जानता शकील? क्या लगा? कि इसका फीस जो है ना बहुत रीजनेबल है। हम जाते काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट पे हम विजिट कर चुके हैं, खास करके डेटा साइंस से रिलेटेड जो है, बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड है, डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है
उसके फीस लाखों में होते हैं भाई, 2 लाख है, 3 लाख है, 2.5 लाख है, यहाँ तक कि हमने एक अभी रिसेंटली हम एक इंस्टीट्यूट में विजिट किए थे, वहाँ 4 लाख था, एक जगह 3 लाख रुपए था, और वही चीज़ यहाँ पे हमें काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, और हमें ये बल्कि ज़्यादा जेन्युइन लगा। आपको तब तक इंटरव्यू मिल रहा है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाए, और 2 साल देखिए बेसिकली इनका 2 साल का सब्सक्रिप्शन होने वाला है, 7 से 8 महीने का आपका कोर्स जाएगा, 7 महीना बोलते हैं, 5वें महीने से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, आपको इंटरव्यू देना ये स्टार्ट कर देंगे, और 7 महीने 8 महीने होते होते आपकी जॉब लग जाएगी 100% एकदम गारंटी। मतलब ये गारंटी नहीं देते हैं, ये बोलते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं भाई 100% गारंटी दे। कहने का ये मतलब इन्होंने कहा कि अगर 80% भी आप पढ़ाई करते हो, अपना 80% भी देते हो, 100 मत दो 80 भी दो, तो फिर 100% है जॉब लग जाएगी। अगर ऐसा करते हो कि भाई बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो या पढ़ते नहीं या मौज मस्ती करते हो, तो फिर भाई कोई नहीं दिला सकता है, ऊपर वाले भी नहीं दिला सकते हैं आपको जॉब। हाँ, कोई भी नहीं दिला सकता है, कहीं पे अगर जॉब होगा भी ना आपको काम नहीं आएगा तो भाई निकाल देगा। चलिए तो आपको फीस का इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ड्यूरेशन क्या है उसका इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, मतलब कौन सी डिग्री है आपके पास, कितना ईयर गैप है, फ्रेशर है, कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो हर कोई इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, बीबीए किए हैं, बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, बीसीए किए हैं, तो सब कोई कर सकता है इस कोर्स को। ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा एक आता है कि कम्युनिकेशन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं भी अच्छी है तो आपको 6-7 महीने का टाइम मिल रहा है, ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना भाई, तो कम्युनिकेशन स्किल भी चेक करते हैं वहाँ पे कि आप बात कैसे कर पाते हो। चलिए ये हो गया कि कोर्स कौन कौन लोग कर सकते हैं, आपका ईयर गैप कितना भी हो आप कर सकते हो, आप फ्रेशर हो उस पे भी कर सकते हो, आपको 100% इंटरव्यूज मिलेंगे, ये दिलाएंगे गारंटीड अनलिमिटेड इंटरव्यू। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनका क्लासेस कैसे कैसे चलता है। अगर हम इनके क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में इनका क्लासेस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन में भी क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी क्लास कर सकते हैं। पूरे वीक इनका ऑनलाइन क्लास चलता है, और हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे वीक डेज जो रहता है उसमें आपको ऑफलाइन क्लासरूम में और लैब में बिठाकर सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाते हैं ये। तो इनका क्लास का जो मॉड्यूल है ये भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी यूनिक है। आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आप अपने बेटर करियर के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में जॉब करते करते आप ये कोर्स कर सकते हैं। जब आपकी छुट्टी रहेगी तो यहाँ पे क्लास में इनके लैब में आकर के, इनोवेशन लैब बोलते हैं, इनके इनोवेशन लैब में आकर के आप ऑफलाइन में अपने आप को रेडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्किल्स को। चलिए अब बात कर लेते हैं कोर्सेज कौन कौन से हैं इस इंस्टीट्यूट में, और फीस क्या होने वाला है और ड्यूरेशन क्या होने वाला है अलग अलग कोर्सेज के। सबसे पहला कोर्स जो मेन है वो डेटा साइंस प्लस AI है, वो भी एकदम अपडेटेड वर्जन, आपको हर चीज़ सिखाया जाएगा, 7 महीने का कोर्स है और इसकी फीस होने वाली है 1,23,000 रुपये, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, कभी 15%, कभी 20%, कभी उससे ज़्यादा भी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, 30-40% तक, तो वो डिस्काउंट होके आपको कुछ 75,000-95,000 तक जा सकता है फीस। ये हो गई डेटा साइंस प्लस AI की। यही अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, सिर्फ डेटा एनालिटिक्स करना है, डेटा साइंस नहीं करना है, तो इसका फीस होने वाला है 1,03,000 रुपये। जितना भी मैं फीस बता रहा हूँ ना, ये इंक्लूडेड GST है, अलग से आपको 18% GST नहीं देना है, और इसमें भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, 10%, 15%, 20%, वो डिपेंड करता है कि क्या अभी इंस्टीट्यूट में डिस्काउंट चल रहा है। इनके अगले कोर्स की बात कर लेते हैं जो है DevOps एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये दोनों भी काफ़ी अच्छे कोर्स हैं, डिमांडिंग है, पर डे इनका डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है डेटा साइंस का, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो DevOps खोजते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग खोजते हैं। दो टाइप का कोर्स है, एक 7 मंथ का कोर्स है, 7-9 मंथ, एक है 4-5 मंथ। जो 7-9 मंथ का कोर्स है उसका फीस होने वाला ऑलमोस्ट 95,000, उसमें भी कुछ
आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और जो दूसरा कोर्स है 4 to 5 month वाला, उसका होने वाला है कुछ 75,000 समथिंग, उसमें भी कुछ डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट विजिट किए हैं और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दें, और हमने क्लास नहीं दिखाया, हमने इनका लैब नहीं दिखाया, लेकिन जब दूसरी बार हम इनसे बात कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और इनका अप्रूवल ले लेंगे दिखाने का आपको क्लास और लैब, तो हम वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इनके पूरा जो टोटल आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो होगा, उसमें कोर्स कितने महीने का है, जॉब की क्या गारंटी है, और इंस्टीट्यूट अंदर से क्लासेस कैसे दिखते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस क्या है, कितने घंटे पढ़ाते हैं, इनका लैब कैसा है, कैसे प्रैक्टिस कराते हैं, कैसे इंटर्नशिप कराते हैं, इंटर्नशिप का क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे डेडिकेटेड वीडियो में। अभी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करो, हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हमने बहुत कुछ पूछा है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हम इंक्वायरी करके आए हैं, तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिए हैं, तो हम आपके जो भी क्वेरी होगी वो इजिली हम सॉल्व कर देंगे, जो भी डाउट होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो करिए, और इनका भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ का लिंक मिल जाएगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉल करके उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको हमने ऑलमोस्ट लर्न बे इंस्टीट्यूट डेटा साइंस से रिलेटेड, जो कि बैंगलोर HSR लेआउट में अवेलेबल है, उसका फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी है भाई, ये जो जॉब के लिए जो अश्योरिटी दे रहे हैं, जो जॉब के लिए जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है भाई। इनके बात से लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, जो कि ये बता रहे थे कि इनके हर बैच में ऑलमोस्ट 50 to 55 के अराउंड एक बैच में स्टूडेंट रहता है, पूरा फुल रहता है, वो बैच स्टार्ट होने से पहले फुल हो जाता है। अगर उससे पहले पहले अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपको नेक्स्ट बैच में ये डालेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा ये क्राउड नहीं करते अपने एक बैच में। 50 to 55 स्टूडेंट्स का स्लॉट रहता है एक बैच का, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बात कर लीजिएगा, जिस मंथ में भी आपको लेने का मन है, हर मंथ या फिर 1.5 मंथ पे इनका एक बैच स्टार्ट होते रहता है। आपसे मैं एक बात और करना चाहूँगा कि अगर आप डेटा साइंस कोर्स करना चाहते हैं, या फिर क्लाउड कोर्स करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना चाहते हैं लर्न वे इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे जब भी इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं शाही ब्लॉग का रेफरेंस जरूर से दीजिएगा। उससे क्या होगा कि अभी देखो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इनको पता नहीं कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग जस्ट एज ए स्टूडेंट यहाँ पे विजिट किए हैं, इंक्वायरी किया और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जब इनको पता चलेगा कि हाँ शाही ब्लॉग भी कोई है जो कि हमारे बारे में वीडियोज़ बना करके डाला है, इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि शाही ब्लॉग के नाम पे आपको डिस्काउंट मिले। तो ज़रूर से इंक्वायरी में आप शाही ब्लॉग का रेफरेंस दीजिएगा, और अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो जैसा कि आपको शकील ने बताया कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा और हमें मैसेज कीजिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको हम रिप्लाई देंगे। चलते हैं अब हम लोग अपने घर पे, ऑलमोस्ट पूरा डिटेल हमने आपको दे दिया है और आपको हमने बताया है कि कैसा है लर्न वे इंस्टीट्यूट बैंगलोर HSR लेआउट में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। चलो भाई लर्न बे, टाटा बाय बाय।